अतिवृष्टि से खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर किसानों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। शुक्रवार के दिन किसानों ने जिला मुख्यालय पर आकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और जिला कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी के नाम देवेंद्र सिंह यादव पूर्व प्रदेश सचिव युवक कांग्रेस के नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा है और उसमें अतिवृष्टि से बर्बाद हुई उड़द, सोयाबीन, मूंग, तिलहन आदि की फसलों का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। किसानों ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि अतिवर्षा से करीब 70% फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिनका सर्वे कराया जाए, उनका मुआवजा दिलाया जाए और मौके पर किसानों की उड़द, तिलहन आदि की फसलें लेकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन करते हुए कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान दर्जनों किसान मौजूद थे। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है, अगर शीघ्र फसलों का सर्वे कराकर किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान कांग्रेस पूरे जिले भर में आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देवेंद्र यादव, भगत राम यादव, दिनेश मिश्रा, विभोर पांडे, दीपेश सहित भारी संख्या में किसान ज्ञापन सौंपते मौजूद थे। टीकमगढ़ से जमील खान की रिपोर्ट।